हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे 33 केवी सबस्टेशन के बारे में कि 33 केवी सबस्टेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और यह कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबस्टेशन कौन सा भी हो, 33 केवी का हो, 66 केवी का हो, 132 केवी का हो, सब में करीब करीब एक जैसे ही इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। बस इनकी जो पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग होती है वह हाई होती है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट का देखेंगे कि सब स्टेशन में सबसे पहले क्या आता है। तो हमको अभी सबसे पहले हमारा फोर पोल स्ट्रक्चर है, फोर पोल स्ट्रक्चर से भी पहले क्या आ रहा है, तीन वायर आ रहे हैं। ये जो तीन तार होते हैं ACSR कंडक्टर के बने होते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आती है। हमारे केस में यह 33 केवी की लाइन है, मतलब कि 33,000 वोल्ट इन लाइनों के द्वारा आ रही है। अब जैसे ही हमारी लाइन आई तो लाइन के बाद में क्या आता है, ये इंसुलेटर में आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह देखिए, ये इंसुलेटर लगे हैं, तीन इंसुलेटर है जिसे स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। तीनों फेसों के लिए एक एक इंसुलेटर लगाया गया है ताकि हमारी जो सप्लाई लाइन है वह सप्लाई लाइन हमारे फोल पोर स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आए। अब यह इसमें तीन ही इंसुलेटर क्यों लगाए गए हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर तीन इंसुलेटर, एक के अंदर तीन इंसुलेटर और तीसरे के अंदर भी तीन इंसुलेटर। 33 केवी की लाइन है इसलिए तीन तीन लगाए गए हैं। यहीं अगर 66 और 132 केवी की लाइन होती तो 66 के केस में 5 या 6 इंसुलेटर लगे होते और 132 के केस में 10 या 11 इंसुलेटर लगे होते। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो हमारी सप्लाई हमारी यहां तक आ चुकी है इन इंसुलेटरों तक। अब इन इंसुलेटर से सप्लाई हमको अंदर तक ले जानी है। तो यहां से हमने क्या करा कि अंदर एक फोर पोल स्ट्रक्चर के अंदर तीन इंसुलेटर और लगा दिए और जम्पर की सहायता से इस पावर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब सप्लाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, उसके बाद हमको सप्लाई यहाँ से यहाँ तक लाना है और इस फोल पोल स्ट्रक्चर से हमारे फोल पोल स्ट्रक्चर तक ले जाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो ये वाला सप्लाई एक फेस की सप्लाई है, इसके लिए आगे तक एक लूप लिया। अब लूप लेने के बाद में क्या है, एक वहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर लगा दिया, जिससे कि दोनों के बीच में एक वायर बांध दिया ACSR कंडक्टर और इस वायर की सहायता से नीचे लेके इस फेस तक आने दिया। ठीक है, तो ऐसा पहले केस में इस स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर से इस स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर तक एक वायर बांधा। वैसे तीनों फेसों के जो तीनों तारों के लिए है, तीनों तारों के लिए एक एक वायर ऐसा बांध दिया और उधर भी एक इंसुलेटर लगा दिया। तीनों के लिए एक एक वायर हो गया है। अब तीनों वायरों से एक एक वायर नीचे उतार के, जैसे पहला वायर यहाँ से यहाँ तक लिया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिया और तीसरा वहाँ से यहाँ तक लेके, जैसे ही देखिए बीच में एक वायर दिख रहा है, पहला वायर यहाँ दिखा आपको जुड़ते हुए, दूसरा यहाँ दिख रहा है और तीसरा जो वायर वो यहाँ दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो ऐसे फोर पोल स्ट्रक्चर में चारों तरफ स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर लगाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसकी सहायता से आसानी से तीनों फेसों के वायर निकालकर इस साइड वाले इंसुलेटर तक पहुँचा दी जाए। अब इस साइड वाले इंसुलेटर तक तीनों वायर पहुंच गए हैं, तीनों फेस पहुंच गए हैं। अब फिर से जैसे हमने यहाँ पर ऐसा जंपर लगा के यहाँ से यहाँ लाए थे, फिर एक ऐसा जंपर लगाकर सप्लाई को यहाँ से यहाँ तक ला के फिर से तीनों स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर से जोड़ दिया गया है ताकि हमारा फिर से फोल पोल स्ट्रक्चर तक पावर कॉन्टैक्ट में ना आए और हमारी पावर यह तीनों इंसुलेटर तक यहाँ तक आ गई है। ये आपको दिख रही है एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फोल पोल स्ट्रक्चर आता है वहाँ तक केवल वहाँ से वायर आए हमारे ACSR कंडक्टर और पूरे सिस्टम से होते हुए यहाँ तक ये तीन तार पहुँच चुके हैं। सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है, एक दो और तीसरे तार तक। अब यहाँ तक सप्लाई आने के बाद में यहाँ पर हमारे अंदर वाले फोल पोल स्ट्रक्चर में हमने फिर से तीन स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर लगाए ताकि फिर से कॉन्टैक्ट में नहीं आए। तो उसके बाद में हमने यहाँ से एक एक वायर लिया और जो हमारा ME होता है जिसे मीटरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, इसलिए मीटरिंग इक्विपमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर CT और PT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि मीटरिंग के काम आते हैं। करंट ट्रांसफार्मर करंट की मीटरिंग करता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज की मीटरिंग करता है। देखिए ME से केबल निकल रही है, यह केबल निकल के हमारे HT मीटर में लग जाती है ताकि मीटरिंग होकर हमारे प्लांट के बिजली का जो बिल आता है वो इसी के थ्रू आता है और इसमें एक एंटीना भी लगा होता है जिसके द्वारा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कि कितनी रीडिंग बनी है। तो ME हमारी हो गई, तो ME के बाद में आउटपुट जो निकला वह एक जाल में बना दिया जाता है ताकि हमारी सप्लाई को हम आगे ले सकें। तो अभी हमने जाल क्यों बना रखा है मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब देखिए ये हमारी ME हो गई, ME का आउटपुट हमने इस जाल में बिछा दिया। अब जाल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे दो फोर पोल स्ट्रक्चर है, पहला फोर पोल स्ट्रक्चर ये रहा और दूसरा फोर पोल स्ट्रक्चर ये है जिसपे कि VCB लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ दो ट्रांसफार्मर है, एक यह ट्रांसफार्मर और यह दूसरा ट्रांसफार्मर। तो पहले ट्रांसफार्मर का जो फोर पोल स्ट्रक्चर है पहला वाला है और दूसरा फोर पोल स्ट्रक्चर वहाँ पर है। अब जो हमने जाल बना रखा है उस जाल में से तीन वायर लेके हम यहाँ पहुँचा देते हैं हमारे पहले फोर पोल स्ट्रक्चर। पहले हम पहले फोर पोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर बाद में दूसरा जो हमारा दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले के केस में हमने फिर से स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर लगा के इस वायर को यहाँ जोड़ दिया और ऊपर देखो आपको LA दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा हाथ दिखाता हूँ मैं आपसे, आपको ये LA तीन LA लगे हुए हैं जिसे लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम जो भी लाइटनिंग आती है या फिर वोल्टेज का जर्क होता है, जब भी ज़्यादा सिस्टम में वोल्टेज बनता है तो यह उस वोल्टेज को सेंस करके जो
वोल्टेज होता है उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है, तो इसलिए लाइटिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। तो फोर पोल स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर हमेशा आपको लाइटिंग अरेस्टर देखने को मिलेंगे ही सही, ठीक है। तो उसके बाद में लाइटिंग अरेस्टर के साथ में ही एक एबी स्विच होता है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है एबी स्विच है, तीनों फेसों के लिए एक एक एबी स्विच दिए गए हैं जिसे एयर ब्रेक स्विच कहा जाता है, या एयर में ही कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हैं। अब ये क्यों लगाया जाता है, जैसे कि हमें हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ काम करना है और ट्रांसफार्मर में काम करने के लिए हमें सप्लाई को काटना है, तो हम अगर इस एबी स्विच की सप्लाई को काट देंगे, अब एबी स्विच के लिए एक हैंडल होता है ऑपरेट करने के लिए, तो यह रहा हैंडल, ये इस हैंडल की रॉड दिखाई दे रही है आपको, और यह देखिए यह पूरा इसका हैंडल है, इसकी सहायता से एबी स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है। तो इसको हम एबी स्विच को ऑफ कर देंगे तो सप्लाई कट जाएगी और हम इस ट्रांसफार्मर में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए एयर ब्रेक स्विच दिया जाता है, जो कि ये रहा एयर ब्रेक स्विच का आउटपुट है, यह तीनों फेस का एक एक आउटपुट है, ये दिख रहा है आपको जो पाइप में दे रखा है, साथ में फिर ये पिन इंसुलेटर लगे हुए हैं ताकि फिर से हवा आंधी तूफान चलने में हमारी जो आपस में तीनों आउटपुट है आपस में टकराए नहीं, साथ में इस फोर पोल स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, इसलिए पिन टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं। अभी तक आपने दो टाइप के इंसुलेटर देखे हैं, एक तो स्ट्रिंग टाइप के इंसुलेटर देखे हैं और ये पिन टाइप इंसुलेटर हैं, ठीक है। तो पिन टाइप इंसुलेटर से होते हुए हमारी सप्लाई जाती है डीओ फ्यूज़। अभी डीओ फ्यूज़ क्यों होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, डीओ फ्यूज़ का फुल फॉर्म होता है ड्रॉप आउट फ्यूज़। ड्रॉप आउट फ्यूज़ मतलब कि जब भी हमारे सिस्टम में ज़्यादा करंट होता है तो ज़्यादा करंट के केस में यह जो फ्यूज़ होते हैं गलकर गिर जाते हैं नीचे की तरफ, इसलिए इसे ड्रॉप आउट फ्यूज़ कहा जाता है। यह कम एम्पियर के लगाए जाते हैं, जैसे कि जो भी हमारे सिस्टम का करंट है, अब जैसे आपके ट्रांसफार्मर के आगे एलटी एम्पियर होता है तो यह ज़्यादा होता है, और हमारा जो एसटी एम्पियर होता है करंट होता है, इसका एक फार्मूला होता है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह जो तीन फ्यूज़ लगे होते हैं हमारे केस में, यह 15 से लेकर 20 एम्पियर तक के फ्यूज़ होते हैं, ये ट्रांसफार्मर के केवीए पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो 15 एम्पियर के फ्यूज़ होते हैं, एसटी फ्यूज़ होते हैं, तो ये गल जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ही हमको कुछ भी हमारा ट्रांसफार्मर जब भी हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है तो हम चेक करते हैं कि हमारे डीओ फ्यूज़ तो नहीं उड़े हुए हैं कहीं, लेकिन सही रहते हैं, तो फिर हमको वापस हमारा ब्रेकर हम चालू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डीओ फ्यूज़ से आउटपुट सप्लाई लेके हम ट्रांसफार्मर में दे देते हैं, ये देखिए तीन तार जो आ रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर पर आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बुशिंग पर लगे हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर का ये मेन टैंक होता है जिसके अंदर ऑयल भरा होता है, ये रेडिएटर होते हैं, ये सिलिका जेल के लिए ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैं पूरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा पहला फोर पोल स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि सप्लाई हमारी आ रही है, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर लगे हैं, दो फोर पोल स्ट्रक्चर होते हैं, एक जाल बना होता है उसकी सहायता से हमारे एमी में आता है, एमी जो कि मीटरिंग इक्विपमेंट होता है, सीटीपीटी लगे होते हैं, इससे हमारा एक एचटी मीटर होता है जिसमें हमारा बिजली का बिल, इसमें यूनिट बनती है बिजली का बिल आता है, साथ में फिर एयर ब्रेक स्विच लगा होता है, उसके बाद में हमारा एक पिन टाइप इंसुलेटर होता है, फिर बाद में ड्रॉप आउट फ्यूज़ होते हैं, हमारी ट्रांसफार्मर में सप्लाई चली जाती है। तो इस प्रकार यह हमारा पहला फोर पोल स्ट्रक्चर हुआ। अब हम दूसरे फोर पोल स्ट्रक्चर को देखते हैं, दूसरे फोर पोल स्ट्रक्चर में भी सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ ड्रॉप आउट फ्यूज़ की जगह वीसीबी लगा है, यह देखिए यह जाल बना हुआ है, फिर से एयर ब्रेक स्विच आया, अब एयर ब्रेक स्विच में आया कॉन्टैक्ट, हमको जब भी ट्रांसफार्मर में काम होगा हम एबी स्विच काट सकते हैं, लेकिन हमारे केस में वीसीबी है इसलिए हम इसको वीसीबी को बंद करके भी काम कर सकते हैं। तो एयर ब्रेक स्विच के जो ये इनपुट आया, एयर ब्रेक स्विच का जो आउटपुट आया, ये देखिए पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर से सप्लाई कहाँ में आ रही है, डायरेक्ट वीसीबी में, और वहीं से एक लूप लेकर हमने पीटी में दे दिया, यह पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह देखिए इसमें केवल एक ही फेस आ रहा है और दूसरा जो फेस होता है, दूसरा जो वायर होता है वो अर्थ किया जाता है, जैसा कि टेस्टर काम करता है वैसे हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम करते हैं। उसके बाद हमारा वीसीबी है, वीसीबी के देखिए यह सफ़ेद पाइप में लाना है रही है, ये वीसीबी का इनपुट है और यह वीसीबी का आउटपुट है और यह पूरा वीसीबी है। मैं आपको पास में से दिखा देता हूँ कि वीसीबी कैसा होता है, मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा कि वीसीबी को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, ये उसका आगे का ढक्कन खोलकर भी पूरा बताऊँगा। ये हमारा वीसीबी है, एबीबी कंपनी का है, तो इस वीसीबी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, अभी मैं आपको सबस्टेशन का बता रहा हूं, इसलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यह देखिए आया पीटी, आया पीटी के बाद में हमारा वीसीबी आया, वीसीबी का इनकमिंग आउटगोइंग, उसके बाद यह हमारा आया सीटी, सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर जो कि करंट मेज़र करता है, हाई करंट मेज़र करता है और यह हाई वोल्टेज मेज़र करता है। और हमारा सर्किट ब्रेकर कभी भी कुछ भी फॉल्ट आती है तो हमारे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेज़र करके हमारे रिले के द्वारा वीसीबी को ट्रिप करा देते हैं ताकि कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और हमारा सिस्टम एक डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि वीसीबी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी प्लांट में काम करते हैं तो, कि कब कैसे ट्रिप होता है, इसकी रिले वायरिंग होती है, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताता रहूँगा। तो यह हमारा हो गया सीटी, वीसीबी और ये पीटी हो गया, उसके बाद में पीटी से तीन वायर निकल कर आ रहे हैं, देखिए तीन वायर निकले और हमारे ट्रांसफार्मर में आ गए, हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है, तो कि जो भी 1000 केवीए का है इसमें भी वही बुशिंग है, रेडिएटर है, बैकहोज रिले है, कंजर्वेटर है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और अंदर फिर एक कंट्रोल रिले पैनल लगा हुआ है वीसीबी का। तो कंट्रोल रिले पैनल के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, साथ ही मैंने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी एपीएफसी रिले के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, ये केबल के माध्यम से अंदर पैनल तक जा रहा है
और यहाँ पर बस बार के माध्यम से इस ट्रांसफार्मर में बस बार के माध्यम से यहाँ दो पैनल है अंदर, एक इस ट्रांसफार्मर का पैनल है और एक इस ट्रांसफार्मर का पैनल है। तो इस प्रकार दोस्तों सब स्टेशन में यह सब चीज़ें होती है, ताकि आपको इन सबका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में हर चीज़ के लिए अर्थिंग भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, फोर पोल स्ट्रक्चर की और लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग अलग होती है, साथ में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग अलग अलग अर्थिंग दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4। तो ट्रांसफार्मर के लिए 4 अर्थिंग होती है, न्यूट्रल की होती है, बॉडी की होती है। साथ में देखो आपको इतनी सारी अर्थिंग है इधर भी दिखाई दे रही है, एक अर्थिंग वो है, दूसरी अर्थिंग, तीसरी अर्थिंग, चौथी अर्थिंग। इसमें VCB की अर्थिंग अलग होती है, CTPT की अर्थिंग होती है, फोर पोल स्ट्रक्चर की अर्थिंग होती है। साथ में ये जो अर्थिंग दिखाई दे रही है हमारे पैनल की अर्थिंग है, अंदर से जो पैनल आया उसकी अर्थिंग है। तो सब स्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिसकी जानकारी होना आपको ज़रूरी होती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।